हेलो भाई, मैं हूं आसिफ सुभानी। और ये जो गाड़ी है ना भाई, कह सकते हैं इसे कि ये इंडिया की बेस्ट सेवन सीटर कार है। क्योंकि अभी के टाइम तो अच्छे खासे सेवन सीटर कार कंपनी वाले लाते हैं, लेकिन ये जो किया वाले आपको देते हैं ना, इतने कम प्राइस में ऐसी अच्छी खासी फीचर्स इन सब के साथ सेवन सीटर कार, ये भाई कोई और नहीं देगा। मतलब किया वाले ही दे सकते हैं। ये है अपनी किया कैरेंस की सबसे बेस्ट वेरियंट प्रीमियम, जिसकी आपको 100 रुपये पड़ जाती है, 10,19,000 रुपये। और ऑन रोड लेने जाते हो अपने प्रेमा किया यानी पटना में, तो 11,92,000 रुपये तक में भाई आपको ये गाड़ी मिल जाएंगे। अच्छे खासे स्पेस भी मिल जाएंगे, फीचर्स अच्छी खासी चीज़ मिल जाती है। उस फ्रंट में यहाँ पर DRL जैसी डिज़ाइन मिल जाती है, लेकिन ये भाई अपनी जलेगी नहीं। इस जगह आपको हैलोजन वाले मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर हेडलैम्प इंडिकेटर आपको मिल गए नॉर्मल हैलोजन वाले, फॉग लैंप ये सारी चीज़ तो भाई मिलती है नहीं। और टॉप वेरिएंट यानी मोटे पैसा खर्च करते हो इस गाड़ी के लिए, तब तो आगे साइड में आपको पार्किंग सेंसर्स अच्छे खासे, उसमें तो भाई दुनिया भर के फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको साइड फेंडर पर इंडिकेटर मिल जाता है, वो RVM पर नहीं मिलेगा। और टायर साइज है ये आपको मिलता है 16 इंच का, 205/65 R16, यानी टायर का जो चौड़ाई है ना ये भी आपको अच्छा मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm करीब मिलता है। और पीछे साइड से आ जाओ, एक बार पीछे साइड से लुक देख लो गाड़ी की। सबसे बड़ी बात कि बेस वेरिएंट से आपको इसमें चारों व्हील्स में डिस्क ब्रेक कैलिपर मिल जाते हैं। और बेस वेरिएंट से ही इसमें टोटल आपको कंपनी वाले 6 एयरबैग्स दे देते हैं, EBD ABS ये सारे चीज भाई दे देते हैं। यहाँ पर आपको किया का लोगो मिलता है, कैरेंस लिखा हुआ इस जगह मिल जाता है, वेरिएंट लिखा हुआ नहीं आएगा। और लंबे से साइज का कनेक्टिंग जो टेल लैंप है, अभी के टाइम हुंडई ब्रांड ज़्यादा फोकस करी इसके ऊपर, लंबे लंबे दे रहे हैं, वही चीज़ आपको पहले से इसमें मिल जा रहे हैं। टोटल रियर साइड में 4 पार्किंग सेंसर मिलता है, 1, 2, 3 और 4। अब आओ इसे ओपन किया जाए। वैसे यहाँ पर आपको वाइपर नहीं मिलेंगे, ना ही डिफॉगर मिलेंगे, स्पॉयलर मिल जाते हैं, हाई माउंट स्टॉप लैंप भी मिल जाते हैं, और लंबी सी साइज वाली जो एंटीना है वो चीज़ मिलती है। इसे ओपन करने के लिए भाई यहाँ पर देख रहे हो रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल रहे हैं, क्या बात है। पीछे साइड में आपको अगर ये सीट यूज़ में लेते हो तो कुछ इतना सा स्पेस रहता है। और ये ना एडजस्टेबल भी है, ये देखो अपने हाइट के हिसाब से या फिर कम्फर्ट के हिसाब से इसे एडजस्ट कर पाओगे। टोटल 3 स्टेप मिलते हैं, ये सबसे लास्ट इसका, अच्छा ये सबसे लास्ट हो गया, सेकेंड ये है, ये जो इतना हाइट है, और थर्ड करते हो ये भाई सीधा सा हो जाता है। देख रहे हो इतने सारे चीज़, हेडरेस्ट देख लो आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं, पीछे साइड वाले पैसेंजर के लिए चार्जिंग सॉकेट मिल जाते हैं, बोतल होल्डर मिल जाते हैं भाई, AC वेंट्स मिल जाते हैं, लाइट वाइट सारी चीज़ यहाँ पर भी आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाते हैं। अब सिर्फ 2 बंदे हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। आपको बेड अगर बनाना है, होटल अगर महंगे पड़ रहे हैं भाई, कहीं आप जा रहे हो फैमिली के साथ घूमने के लिए, तो बस सारे जो सीट्स हैं उसे कर दो फोल्ड। ये देख लो हो गया ना बेड वाला हिसाब, मतलब 2 बंदे और 1 बच्चे जो है ना फैमिली, वो भाई इजीली आ जाएंगे इसके अंदर। नहीं तो फिर वापस से इसे इस तरीके से 2 उठा, तो ये अपना हो गया कुछ ऐसा सा इसमें सिस्टम। वैसे अच्छा खासा यहाँ पर भी अभी भी स्पेस जा रहा है बच। स्पेयर टायर जो है वो आपको मिलेगा यहाँ पर नीचे साइड में। अब आ जाते हैं साइड से, टैंक कैपेसिटी 45 लीटर की मिलती है। और गाड़ी देख लो भाई, कुछ ऐसी सी गाड़ी आपको मिलेगी। और इसमें आपको सेकंड रो वाले में भी इलेक्ट्रिक टंबल वाला सिस्टम, ये चीज़ भी ना आपको इसके बेस वेरिएंट से मिल जाता है। सिर्फ इसे प्रेस करना है भाई, खुद से इलेक्ट्रिक थ्रू फोल्ड वोल्ड हो जाता है। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं विंडो से रिलेटेड कंट्रोल, ये हो गए आपके डोर लीवर। यहाँ पर स्पीकर के लिए जगह मिलता है, लेकिन भाई स्पीकर नहीं मिलेगा, बट आपको 2 बोतल होल्डर यहाँ पर स्पेस मिल जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस मिलता है। स्पेस के मामले में ना गाड़ी नो डाउट 1 नंबर है, कहीं से काटने लायक नहीं है। देखो यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक कलर मिल जाता है, फ्रंट वाला जो ए पिलर है यहाँ पर भी आपको पियानो ब्लैक कलर मिल जाता है। वैसे ये है अपना 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जो आता है इनका, वही वाले इंजन और मैनुअल गियर ट्रांसमिशन के साथ। चाबी देख लो भाई, चाबी आपको कुछ ऐसे से मिलती है, ये देखकर थोड़ा आप घबरा सकते हो वैसे, लेकिन घबराने वाली बात है नहीं भाई। प्राइस के हिसाब से ना फीचर्स आपको अच्छे खासे मिलते हैं। ये हो गया अपना इग्निशन ऑन। विंडो का कंट्रोल आपको यहाँ पर मिलता है, 1 टच अप 1 टच डाउन वाला सिस्टम नहीं मिलता है, ये सिर्फ अपना मैनुअल काम करता है।
सारा जो है नॉर्मल कंट्रोल मिलेगा, डोर लॉक अनलॉक का कंट्रोल मिल जाएगा। इस जगह आपको स्पेस, यहाँ पर भी आपको 1, 2, 3 बोतल होल्डर, साथ में अम्ब्रेला होल्डर, स्पीकर के लिए जगह, फ्यूल लिड ओपन करना है उसके लिए, और ड्राइवर साइड वाली सीट में हाइट एडजस्टमेंट नाम की जो चीज होती है वो चीज भी आपको मिल जाते हैं। अब आ जाओ यहाँ, देख रहे हो सीट्स, आपको भाई लेदर वाले सीट्स मिल रहे हैं। बेस वेरिएंट देखा कभी ऐसा कि लेदर वाले सीट कंपनी वाले दे दें? ये चीज नकिया के बदौलत है। स्टेयरिंग व्हील आपको नॉर्मल वाले मिलते हैं, जिसके ऊपर ये आपको मिल जाते हैं कंट्रोल्स इस MID से रिलेटेड, और ये जो है आपके हेडलाइट के कंट्रोल, वाइपर के कंट्रोल हो गए भाई, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, इस जगह आपका हेडलाइट एडजस्टमेंट जो चीज़ है वो हो गया। यहाँ पर मैनुअल AC का सारा कंट्रोल मिल जाता है। इन्फोटेनमेंट सिस्टम भाई नहीं मिलता है, सिर्फ ना दो कमी रह जाती है, इन्फोटेनमेंट सिस्टम, दूसरा चाबी। ये चीज़ मिल गई इस गाड़ी को जिस दिन, या फिर आप काम करा लेते हो बाहर से जाके, तो भाई कोई इसे छाटेगा नहीं, सब इसे ना ऐसे करके देख कहेगा कि हाँ भाई ओके है आपका गाड़ी। MID जो है ये भी मस्त सा मिलता है, इतना बड़ा सा साइज का डिस्प्ले मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिल जाएगा आपको डिजिटल में, टैकोमीटर, ये देख रहे हो ये अपना डोर ओपन है, उसका आ रहा है वार्निंग, ये हो जा भाई बंद। इस जगह आपको इसमें अच्छे खासे इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ये आप प्रेस करते हो तो चेंज आपके होंगे, AAA, AAB, इन सब से रिलेटेड क्या रेंज बची हुई है, इल्यूमिनेशन यानी ब्राइटनेस आपको बढ़ाना है घटाना है वो चीज़ आप यहाँ से सीख कर पाओगे, सारा यानी सिस्टम मिल जाता है, फ्यूल लेवल इंडिकेटर, इंजन हीट से रिलेटेड वार्निंग यहाँ पर, और साइड साइड में देख लो कुछ ऐसा सा मिलता है सारा MID का आपको सिस्टम। तो ये हो गया भाई इस जगह, और क्या बचा, और वैसा कोई चीज़ यहाँ पर MID में आपको नहीं बचा। रेंज वेंज जो नॉर्मल होता है ना इन्फॉर्मेशन, वो सारा चीज़ आपको मिल जाएगा इसमें। स्टेयरिंग की एडजस्टमेंट सिर्फ टिल्ट ही होती है, टेलीस्कोपिक वे में नहीं होती है एडजस्ट। यहाँ पर हो गए आपके नीचे साइड में 12 वोल्ट 120 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, एक टाइप सी वाली, ये देख लो भाई हिल स्टार्ट असिस्ट मिल जाता है, मोबाइल रखने के लिए स्पेस, 6 स्पीड का मैनुअल गियर लीवर, हैंड ब्रेक मिल जाता है मैनुअल वाला, 2 बोतल होल्डर मिल जाते हैं यहाँ पर, और आर्मरेस्ट भी मिलता है भाई बड़े से साइज का, अच्छा खासा बड़ा है। यहाँ पर भी आपको मिल जाते हैं ग्लोव बॉक्स कुछ इतने बड़े साइज के, IRVM आपको मिलती है, मैनुअल वाले रीडिंग लैंप मिल जाते हैं, नॉर्मल हैलोजन वाले, इस जगह सनवाइजर, इस साइड आपको मिरर भी दे देते हैं ये कंपनी वाले इस गाड़ी में। तो फ्रंट से इतना कुछ मिलता है, अब चलो आपको पीछे साइड लेकर के चलते हैं, पीछे दिखाते हैं भाई क्या क्या एमिनिटीज मिलते हैं जो डेली लाइफ में या फिर डेली यूज में आपके काम आने वाले जो भी फीचर्स हैं, जैसे कि आप देख लो हाइट एडजस्टमेंट हो गया, AC वैसी तो खैर मिल ही जाता है, विंडो के कंट्रोल हो गए, 6 एयरबैग्स हो गए, ये सारे चीज़ ना भाई आपको दे देते हैं ये किया वाले। एयरबैग देखो यहाँ पे लिखा हुआ आता है एयरबैग, पीछे साइड में आपका ये जो सीट है आगे पीछे भी होगा कुछ ऐसे, जितना ज़रूरत है आप एडजस्ट कर लो। यहाँ पर आपको AC वेंट्स के लिए भाई कंट्रोल मिल जा रहा है, आपको फैन का स्पीड कम ज़्यादा करना वो चीज़ कर लोगे। ये आपके हो गए 2 चार्जिंग सॉकेट, मतलब चार्जिंग सॉकेट भरे हुए हैं, मोबाइल रखने के लिए स्पेस, यहाँ पर AC वेंट्स, रीडिंग लैंप, देख रहे हो 1, 2, 3 तीनों पैसेंजर्स के लिए यानी तीनों वाले रॉ के लिए अलग अलग मिल रहे हैं सारे चीज़, कुछ ऐसा सा हो गया। इसमें भी आपको हाइट एडजस्टमेंट वाला जो है ये हेडरेस्ट मिल जाता है, और रह गया एक चीज़, ये देखो ये है अपना आर्मरेस्ट 2 कप होल्डर के साथ, ये फोल्ड भी होता है बट अभी ना पन्नी लग रखा है इस वजह से ये अपने को फोल्ड करने में होगा दिक्कत, बट करके दिखाते हैं। हाँ नहीं नहीं दिक्कत हो रहा है भाई, ये देख लो, देख लो ऐसा सा मिलता है, मतलब आर्मरेस्ट भी आपको मिल जाता है बोतल होल्डर के साथ, और क्या चाहिए यार, लगभग 10 लाख रुपए एक शोरूम मान लो, पहले तो और कम थी, 9,60,000 रुपये पड़ती थी, अभी का टाइम ना कंपनी वाले के इतने ज़्यादा सेल हो रही कि भाई भाव बट्टे बढ़ते गए हैं इनके, दिनों दिन हर गाड़ी प्राइस जो है बढ़ती जा रही है। ये है अपना 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, 4 सिलेंडर वाला, काफ़ी भरोसेमंद इंजन है जो अपने को पावर प्रोड्यूस कर देता है 115 PS का और 144 Nm का टॉर्क करके देता है डिलीवर। यहाँ पर पैडिंग वेडिंग भी आपको जाती है मिल, ताकि आपका अंदर साइड में जो केबिन है वो रहे थोड़ा साइलेंट इंजन की आवाज़ से दूर। बाकी आप बताओ यही सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं इस गाड़ी में यानी बेस वेरिएंट में किया वाले देते हैं। मिलते हैं जल्दी आपसे अगली वीडियो में, अगली वीडियो तक भाई ड्राइव सेफ बी सेफ।
बाकी अपनी राय ना हमें कमेंट बॉक्स में छोड़कर जरूर जाना।